तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी लाइट प्रॉपर तरीके से ग्लो होने लगे गाइस, यानी हमारा सर्किट सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। हेलो गाइस, इंडियन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एसी टू डीसी एलईडी लाइट ड्राइवर सर्किट बनाकर दिखाने वाला हूँ। गाइस इस सर्किट से आप डीसी 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 48 वोल्ट और 350 वोल्ट तक का डीसी आउटपुट आप ले सकते हो। गाइस इस सर्किट को मैंने इसके पहले भी बनाकर दिखाया था गाइस, और ऑलरेडी वो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन गाइस कुछ व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि भाई अपने डायोड का नंबर नहीं बताया, ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर नहीं दिखाया। तो गाइस मैंने सोचा कि इस पर एक अलग से वीडियो ही बना लेते हैं। और गाइस इसे बनाना बहुत ही आसान है, इजीली आप इस वीडियो को देखिए इसे घर पर बना सकते हो। गाइस इसे कैसे बनाना है फुल डिटेल्स में इस वीडियो में मैंने बताया, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। तो गाइस चलिए जल्दी से इस सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस एसी टू डीसी एलईडी लाइट ड्राइवर सर्किट बनाने के लिए मैं कुछ इस टाइप के डायोड का यूज करने वाला हूँ। गाइस देख सकते हैं इसकी वैल्यू 6A4 इसकी वैल्यू है। गाइस कुल के चार डायोड में इसमें यूज करने वाला हूँ। गाइस इन डायोड का हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। गाइस आप बना बनाए ब्रिज रेक्टिफायर ले सकते हो, कुछ मार्केट में इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर मिलता है। गाइस ये भी ले सकते हो, ये भी सेम काम करता है गाइस इसके समान ही। तो चलिए गाइस फटाफट इन डायोड्स का ब्रिज रेक्टिफायर हम फटाफट बना लेते हैं। गाइस इनका ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बहुत ही आसान है। गाइस देख सकते हैं इसमें दो पॉइंट आते हैं गाइस, इसका एनोड पॉइंट और ये है इसका कैथोड पॉइंट। गाइस गाइस दो डायोड का जो कैथोड पॉइंट है आपस में इस तरह से इनको शोल्डिंग कर देना है, और गाइस जो दो डायोड बचेंगे गाइस उनके एनोड सेट को इस तरह से इसको शोल्डिंग कर देना है। गाइस तो चलिए फटाफट इनके शोल्डिंग में कर देता हूं यहां पर। तो गाइस देख सकते हैं गाइस किस तरह से मैंने डायोड की कनेक्शन की है। देख सकते हैं ये जो कैथोड साइड है गाइस, ये एनोड साइड है, कैथोड साइड को मैंने यहाँ पर दोनों को आपस में शोल्डिंग कर दिया गाइस। और गाइस इसमें देख सकते हैं जो एनोड साइड है इन दोनों को मैंने आपस में यहाँ पे शोल्डिंग कर दिया गाइस। अभी गाइस यहाँ पर दो ब्रिज बने हैं गाइस, इनको आपस में इस तरह से यहाँ पे शोल्डिंग कर देना है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनकर अभी रेडी हो चुका है। किस तरह से कनेक्शन किए गाइस देख सकते हैं, बहुत इजी कनेक्शन है गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार देख लीजिए किस तरह से इसको बनाया मैंने। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट है गाइस ये है हमारा नेगेटिव आउटपुट गाइस, और ये जो पॉइंट है गाइस ये है हमारा पॉजिटिव आउटपुट। और यहाँ पे गाइस एसी इनपुट आएगा गाइस 220 वोल्ट, यहाँ पर जो हम कैपेसिटर लगाने वाले हैं। तो चलिए गाइस फटाफट यहाँ पर कैपेसिटर भी कनेक्ट कर लेते हैं। देन गाइज आपको 105 जे 400 वोल्ट का कैपेसिटर ले लेना है, और कैपेसिटर का जो एक पॉइंट है गाइस जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके एसी इनपुट पॉइंट यहाँ पर इसको शोल्डिंग कर देना है गाइज। देन गाइज आपको और एक सेम वैल्यू का कैपेसिटर ले लेना है 105 जे 400 वोल्ट का, और गाइज इस कैपेसिटर का जो एक पॉइंट है गाइज जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसके नीचे वाले पॉइंट पर यहाँ पर इसको शोल्डिंग कर देना है गाइज। देन गाइज आपको 560 के दो रजिस्टर ले लेने हैं, और गाइज इन रजिस्टर को गाइज कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह से इसको शोल्डिंग कर देना है गाइज। तो गाइज अभी यहाँ पर कैपेसिटर के कनेक्शन रेक्टिफायर ब्रिज के साथ कंप्लीट हो चुके हैं गाइज, और यहाँ पर मैंने रजिस्टर भी लगा दिया है। यहाँ पर गाइज और एक हमें रजिस्टर लगाना होगा गाइज, और कैपेसिटर भी लगाना होगा। तो चलिए फटाफट उसके भी कनेक्शन कर देते गाइज। इसके बाद गाइज आपको और एक रजिस्टर ले लेना है। जो गाइज रजिस्टर हमने कैपेसिटर पर लगाया था वो सेम वैल्यू का रजिस्टर है, 560 के का रजिस्टर। गाइज इस रजिस्टर को जो रेक्टिफायर ब्रिज है उसके प्लस माइनस पॉइंट पर यहाँ पर लगा देना है गाइज। ये है इसका पॉजिटिव आउटपुट गाइज, और ये इसका नेगेटिव आउटपुट, इन दोनों पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देना है गाइज। इसके बाद गाइस आपको एक 250 वोल्ट 4.7 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ले लेना है, हमारा रजिस्टर है उसके दोनों पॉइंट पर शोल्डिंग कर देना है गाइस। गाइस इसका कनेक्शन आपको प्रॉपर करने है गाइस, इसके प्लस माइनस भी रहता है, देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की पट्टी गाइस ये है इसका नेगेटिव पॉइंट, और गाइस ये वाला जो साइड है ये इसका पॉजिटिव पॉइंट। और गाइस रेक्टिफायर ब्रिज में देख सकते हैं ये है इसका पॉजिटिव आउटपुट, और गाइस ये है इसका नेगेटिव आउटपुट। तो गाइस कुछ इस तरह से ये शोल्डिंग होगा गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पर कंपोनेंट के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किए, बहुत इजी कनेक्शन है गाइस। इसलिए गाइस इस वीडियो को देख के इसे आप घर पर बना सकते हो। चलिए गाइस जल्दी से अभी इसके एसी इनपुट और डीसी आउटपुट के भी कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। गाइस देख सकते हैं ये जो दो कैपेसिटर के पॉइंट बचे गए ये है एसी इनपुट के लिए, 220 वोल्ट एसी इनपुट आएगा यहाँ से गाइस। और गाइस रेक्टिफायर ब्रिज के दो पॉइंट बचे देख सकते हैं, ये है इसका नेगेटिव आउटपुट गाइस, और ये है इसका पॉजिटिव आउटपुट, इन दोनों पे भी वायर कनेक्ट कर देते हैं गाइस।
तो गाइस देख सकते हैं जो सर्किट अभी बनकर रेडी हो चुका है गाइस, किस तरह से कनेक्शन किए गाइस देख सकते हैं। एसी इनपुट पे मैंने एक वायर लीड कनेक्ट कर दिया गाइस, डीसी आउटपुट पर भी मैंने दो वायर कनेक्ट कर दिए, यहाँ से हम लोड चला सकते हैं गाइस। चलेगा जल्दी से अभी हमारे सर्किट को चेक कर लेते हैं, हमारा सर्किट काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा गाइस। तो गाइस देख सकते हैं सर्किट के आउटपुट पर गाइस मैंने दो LED यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ पे शॉर्टिंग कर दिया गाइस। तो चलिए गाइस फटाफट अभी इसको चेक कर लेते हैं। गैस स्विच को ऑन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं गैस, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है गैस, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट एसी इनपुट आता है गैस, तो आपको बहुत जोर से यहाँ पर शॉक लग सकता है गैस और आपको हार्म हो सकता है गैस। तो ये अपने रिस्क पर आप कर सकते हो, फिर भी कहूँगा गैस आपको यहाँ पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, बहुत ही सेफ्टी के साथ ये प्रोजेक्ट आपको करना है गैस। तो चलिए गैस फटाफट स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारे जो सर्किट है अभी इन LED को ऑन कर पाता है या इन LED को फ्यूज़ कर देता है गैस या डैमेज कर देता है, देख लेते गैस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर LED लाइट प्रॉपर तरीके से ग्लो होने लगे गाइस, यानी हमारा सर्किट सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। तो चलिए गाइस जल्दी से इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं आउटपुट में 3 वोल्ट आ रहा है गाइस, और सेकंड वाले लाइट पर देखते हैं। तो गाइस सेकंड वाले लाइट पर देख सकते हैं यहाँ पर 9 वोल्ट आ रहा है गाइस, 8-9 वोल्ट दिखा रहा है, यानी हमारा सर्किट सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं सर्किट पर मैंने दूसरा LED कॉप चिप यहाँ पे शॉर्टिंग कर दिया गाइस, इसका इनपुट वोल्टेज देख सकते हैं 35 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, देखते गाइस जो ये सर्किट है इसे ऑन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो गाइस देख सकते हैं इस PCB को भी हमारे सर्किट ने सक्सेसफुली ऑन कर दिया है गाइस, यानी हमारा सर्किट परफेक्टली काम कर रहा है गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ये LED लाइट ड्राइवर सर्किट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और गाइस ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।